बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। फ्रेंड, आज हम लोग मेहंदी बनाएंगे। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको स्मेल से प्रॉब्लम होती है, और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए, तो हमको कौन सा ऑयल यूज़ करना है, तो आज हम इंशाल्लाह उसी पे बात करेंगे और वही मेहंदी मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए हमको बेस्ट क्वालिटी की मेहंदी पाउडर चाहिए। मैं 3 फिल्टर की ली हूँ और 3 चम्मच लूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्राई करना है। उससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे आप लोग के लिए वीडियो बनानी थी, तो मैं सोची आप लोग को दिखा दूँ कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए जब प्रेग्नेंट वुमन होती हैं और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है। तो मैं 3 चम्मच शक्कर ली हूँ, मेरे पास ब्राउन शुगर है, तो मैं 1 चम्मच ब्राउन शुगर लूँगी। आप वाइट वाली भी शुगर ले सकती हैं, और अगर आपको ऑर्डर मिले प्रेग्नेंट वुमन के लिए, तो आप ये ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि उनको कोई मतलब लेमन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बहुत सारे लोग को लेमन से खुजली होने लगती है, तो आप उनसे पूछ कर ही डालिएगा कि मैं लेमन डालूँ या नहीं, कहीं आपको स्किन को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। मतलब बहुत सारे लोग होती है, बहुत सारे लोग को नहीं होती है, तो आप उनके हिसाब से ही बनाइएगा। तो लेमन 1 चम्मच लेंगे, अगर आपके पास, जैसे मैं 3 चम्मच ली तो मैं 1 चम्मच डालूँगी, नहीं तो अगर आप फ्रेश वाला ले ली तो आधा लेमन ले लीजिए। और थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल जो हम पानी यूज़ करते हैं, टैप वाटर रहता है जो हम लोग पीते हैं, वही पानी से यूज़ करेंगे। तो आप उसको मिक्स करिए, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छी तरह मिक्स नहीं होती है ना, तो फिर मेहंदी में डिज़ाइन बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो मिक्सिंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा, तो इसको बहुत अच्छा मिक्स करिएगा। फ्रेंड, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन यही लगा सकती, वो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती है, उनके ऊपर है। बस बहुत सारे लोग को नहीं सूट करता सिर्फ, तब ये मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद प्रेगनेंसी में नॉर्मल ही नहीं लगाती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबकी स्किन अलग होती है। तो ये मैं ले रही लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल थोड़ा हल्का ऑयल होता है, स्मेल में भी हल्की होती है, तो इसलिए वो उनके लिए स्पेशल रहता है कि हाँ, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनके लिए इसको अलग से करते हैं, और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए। तो आप ये चीज़, ऐसा नहीं है कि ये मतलब यही ऑयल यूज़ होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं सूट करता तो इसलिए ये यूज़ होता है, नहीं तो सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं तो फ़ौरन ऑयल डाली, क्योंकि वीडियो के चक्कर में मैं फ़ौरन डाली हूँ ऑयल। आप ना अगर बनाइएगा मेहंदी, तो पहले 5-6 घंटा ना पानी में या शक्कर में लेमन डाल के उसको ऐसे ही डाई रिलीज़ होने दीजिएगा, उसके बाद डालिएगा ऑयल, तब उससे और अच्छा कलर आता है। तो ये करिएगा, और मेरी मेहंदी इतनी फ्रेश थी माशाल्लाह कि देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया था। तो अब हम इसको रखेंगे डाई रिलीज़ होने के लिए, मैं रखूँगी 24 घंटे के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ का वेदर थोड़ा अलग है बारिश की वजह से। तो फिर अच्छी तरह क्लीन करने के बाद ना, आप चम्मच पानी में डुबोकर ऐसे क्लीन करेंगे तो आपके हाथ में भी नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छी तरह एक तरह सेट हो जाती है मेहंदी। तो हम इसको रखेंगे 24 घंटे के लिए, रखने के बाद आप ना इसको फिर हम देखेंगे डाई कितनी अच्छी रिलीज़ होती है। तो माशाल्लाह डाई बहुत अच्छी रिलीज़ हुई थी। इसका कलर थोड़ा सा 9-10 कम रहता है और ऑयल के मुकाबले में, मुझे लगा हो सकता है सबको बराबर आता, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है इसका कलर थोड़ा सा कम रहता है। तो जिनको अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो लेवेंडर ज़रूर यूज़ करिएगा, नहीं तो आप नॉर्मल भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब यही यूज़ होगा। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मैं आपको मेहंदी का कलर सोची थी दिखाऊंगी, लेकिन मैं जब मेहंदी लगाई ना, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको पिक्चर ही ले लेती तो दिखा देती, लेकिन कलर बहुत अच्छा था इसका। थोड़ा सा बस 9-10 का फर रहता है, ये ऑर्गेनिक हिना है तो इसमें थोड़ा सा रहता है, जैसे केमिकल लेती बहुत ज़्यादा डार्क आता, तो केमिकल टाइप कलर नहीं आता, ये पील ऑफ होकर निकलती है, फेड होकर निकलती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।